स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो भी स्टूडेंट्स बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में पहला चीज डिस्कस करेंगे कि आपका यूजीसी 2023 का जो है आपका फॉर्म कब आएगा। ठीक है, यूजीसी 2023 का फॉर्म कब आएगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप जो है जेई मेंस वाले स्टूडेंट ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं यूजीसी 2023, या विथाउट जेई मेंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपका सीट मैट्रिक्स क्या रहने वाली है 2023 के लिए। जो आपका यूजीसी 2023 का जो आपका फॉर्म फिलअप होगा उसमें आपके बिहार के कौन कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज में कौन कौन सा ब्रांच अवेलेबल होगा और उसमें कितने सीट रहने वाली है वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग चौथा चीज इसमें डिस्कस करेंगे कि आपका जो फॉर्म आएगा उसका आपका कितना फीस लगने वाली है। ठीक है, कितना आपका काउंसलिंग फी लिया जाएगा वह सारा चीज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो पहला चीज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो स्टूडेंट्स यूजीसी फॉर्म का वेट कर रहे हैं यूजीसी 2023 का, उनके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है, क्योंकि आपका फर्स्ट वीक ऑफ जून से पहले जो है आपका फॉर्म जो है आपका यूजीसी 2023 का आपका आ जाएगा। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि फर्स्ट वीक ऑफ जून में आ जाए या इससे पहले भी आपके आने की संभावना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के द्वारा पूछा गया था कि सर जेई मेंस वाले ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, तो यस, यूजीसी जो जो आपका फॉर्म लॉन्च करेगी उसमें सिर्फ जेई मेंस वाले स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आपके परसेंटाइल मैटर नहीं करता है कि आपका परसेंटाइल कितना है, अगर आप जेई मेंस एग्जामिनेशन में अपियर हुए हैं तो आप यूजीसी 2023 का जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो था कि सर काउंसलिंग फी कितने लगने वाली है इसमें जो फॉर्म आपका फिलअप किया जाएगा यूजीसी 2023 का, इसमें हम लोग अब बतला दे कि जो बीसी कैंडिडेट होंगे, ईबीसी होंगे और जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट है इनको 1200 रुपया लगने वाली है। ठीक है, और जो स्टूडेंट एससी एसटी कैटेगरी के हैं उनको 600 रुपया लगने वाली है आपका काउंसलिंग फी। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि सीट मैट्रिक्स आपका क्या रहने वाली है बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में जिसमें आपको एडमिशन लेना चाहते हैं, जिस कॉलेज आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें वो ब्रांच अवेलेबल है कि नहीं, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं आपके कैटेगरी में कितना सीट अवेलेबल है, वो सारी चीज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि यह आपका जो है बिहार के जितने भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें ब्रांच वाइज और स्ट्रीम वाइज हम लोग यहाँ पे सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं। तो पहला कॉलेज हम लोग देखते हैं बीसी भागलपुर, जो आपका भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है इसमें आपका जो है 5 ब्रांच की पढ़ाई होती है। ठीक है, 5 ब्रांच की इसमें पढ़ाई होती है, इसमें आपका सिविल ब्रांच से आप कर सकते हैं भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से, मैकेनिकल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, उसके बाद आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच से जो आप वहां से बीटेक कर सकते हैं। इसमें जो आपका हर एक ब्रांच में 60-60 सीट अवेलेबल है, तो 5 ब्रांच है तो भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में जो आपका है वो 300 सीट अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखें एमआईटी मुजफ्फरपुर, जो मुजफ्फरपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है इसमें जो आपका जो है 7 ब्रांच अवेलेबल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें आप सिविल से बीटेक कर सकते हैं, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, आईटी ब्रांच, लेदर टेक्नोलॉजी और बायोमेडिकल एंड रोबोटिक्स इंजीनियरिंग। यह जो ब्रांच जो है ये पिछले बार ही आई 2022 में बायोमेडिकल एंड रोबोटिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है, टोटल आपका जो सीट है एमआईटी मुजफ्फरपुर में वह 335 सीट अवेलेबल है। आप यहाँ कैटेगोरी वाइज भी चेक कर सकते हैं, हर एक कैटेगोरी वाइज भी यहाँ पे सीट गिवेन है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखें जीसी गया, जो आपको गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है इसमें आपका 4 ब्रांच अवेलेबल है, इसमें कंप्यूटर से आप कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल से कर सकते हैं, मैकेनिकल से कर सकते हैं और सिविल ब्रांच से कर सकते हैं। इसमें जो आपका 240 सीट अवेलेबल है गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। ठीक है, नेक्स्ट कॉलेज हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, नेक्स्ट कॉलेज आपका है एमसी मोतिहारी, जो मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है इसमें आपका जो है 6 ब्रांच अवेलेबल है। इसमें भी एक न्यू ब्रांच ऐड किया गया था 2022 में, जो ब्रांच का आपका नाम है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एआई। ठीक है, इसमें आप सीएससी से बीटेक कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से कर सकते हैं, मैकेनिकल ब्रांच से कर सकते हैं, सिविल से कर सकते हैं और सिविल इंजीनियरिंग विद कंप्यूटर एप्लीकेशन से आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपका टोटल जो है वह 300 सीट अवेलेबल है एमसी मोतिहारी, मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट हम लोग देखें
दरभंगा, जो आपका दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, इसमें भी आपका 5 ब्रांच में आप MBTECH कर सकते हैं। इसमें आपका CSE ब्रांच अवेलेबल है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अवेलेबल है, मैकेनिकल है, सिविल इंजीनियरिंग है। उसके बाद आपका फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी ब्रांच है, जो आपका 2022 में ऐड हुआ था, ठीक है। तो टोटल इसमें जो है आपका 300 सीट अवेलेबल है आपका DCE दरभंगा में भी। नेक्स्ट कॉलेज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट कॉलेज है आपका NCE चंडी, जो आपका नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है। इसमें भी आपका 5 ब्रांच ऐड है, ठीक है। पिछले बार जो है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इसमें ऐड किया गया था, और इसमें भी आपका 300 सीट अवेलेबल है नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, जिससे आप कंप्यूटर में भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल में भी कर सकते हैं, मैकेनिकल में भी कर सकते हैं, सिविल में और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। उसके बाद आपका कॉलेज है LNJPIT छपरा, जो आपको छपरा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है। इसमें आप कंप्यूटर से बीटेक कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से कर सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेसिंग एंड पी रिजर्वेशन से भी आप कर सकते हैं। इसमें भी आपका 300 सीट अवेलेबल है। नेक्स्ट आपका कॉलेज है BC बख्तियारपुर, बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। इसमें भी आपका 300 सीट अवेलेबल है। इसमें आप सिविल से कर सकते हैं, कंप्यूटर से कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से कर सकते हैं, मैकेनिकल से भी कर सकते हैं, और IoT ब्रांच जो न्यू ऐड हुआ था, और फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी ब्रांच में भी इसमें ऐड हुआ था। इसमें भी आपका 300 सीट है। नेक्स्ट हम लोग देखें SIT सीतामढ़ी, जो सीतामढ़ी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है। इसमें आप सिविल से कर सकते हैं, कंप्यूटर से कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, सिविल इंजीनियरिंग विद कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, AI एंड मशीन लर्निंग। इसमें भी आप BTECH कर सकते हैं। इसमें भी आपका 300 सीट अवेलेबल है सीतामढ़ी में। नेक्स्ट कॉलेज है आपका बेगूसराय, इसमें भी आपका 300 सीट है। आप यहाँ भी ब्रांच देख सकते हैं बेगूसराय कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का भी, ठीक है। इसी प्रकार आप चेक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सासाराम, जो आपका सासाराम कॉलेज है। इसमें भी आपका जो है 5 ब्रांच अवेलेबल है, अप्रोक्स जो है आपका वो 300 सीट अवेलेबल है, ठीक है। सासाराम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, इसमें भी आपका जो 300 सीट अवेलेबल है। उसके बाद मधेपुरा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग देख सकते हैं, इसमें भी ब्रांच अवेलेबल है किसी कटिहार। इसमें भी आपका 5 ब्रांच में आप BTECH कर सकते हैं। पूर्णिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, इसमें भी आपका जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ब्रांच इसमें भी अवेलेबल है आपका। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट कॉलेज हम लोग देख लेते हैं सुपौल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है। जो आपका सुपौल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, इसमें भी आपका जो है 5 ब्रांच अवेलेबल है और 276 सीट अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद हम देखें गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बांका, इसमें भी आपका 300 सीट अवेलेबल है। इसमें भी एक न्यू ब्रांच ऐड किया गया था, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग IoT ब्रांच, ठीक है। उसके बाद आपका कॉलेज है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वैशाली, इसमें भी आपका जो है 5 ब्रांच अवेलेबल है, 300 सीट अवेलेबल है। उसके बाद हम लोग देखें जमुई कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, इसमें भी आप जो है सिविल से BTECH कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल से कर सकते हैं, मैकेनिकल से कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से कर सकते हैं, और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, AI एंड मशीन लर्निंग में भी आप यहाँ से BTECH कर सकते हैं। इसमें भी आपका 300 सीट अवेलेबल है जमुई कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। अगर आपको सीट मैट्रिक्स से रिलेटेड कोई डाउट है, कैटेगोरी से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट कॉलेज हम लोग यहाँ पे देखें तो वो आपका है नवादा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। इसमें आपका 3 ब्रांच अवेलेबल है, 240 सीट अवेलेबल है। उसके बाद हम लोग देखें गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज किशनगंज, इसमें भी आपका 240 सीट अवेलेबल है। इसमें आपका क्या है 4 ब्रांच अवेलेबल है, सिविल से कर सकते हैं, मैकेनिकल से कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल से कर सकते हैं, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से आप कर सकते हैं। अब पूरा कॉलेज वाइज देखना चाहते हैं सीट मैट्रिक्स, इसका PDF जो हम टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर देंगे, आप वहाँ टेलीग्राम ग्रुप से भी आप यहाँ पे जो है पूरा हर एक कॉलेज का आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। टोटल सीट हम लोग यहाँ पे आपको बता दें कि टोटल सीट क्या रहने वाली है आपको UGC 2023 में, जो आपका एडमिशन होगा बिहार के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजों में, इसमें आपका टोटल सीट जो है आपका 10,865 सीट रहने वाली है, ठीक है। 10,865 सीट रहने वाली है, जिसमें आपका टोटल यहाँ पे गिवन है, कैटेगोरी वाइज आप यहाँ देख सकते हैं कि किस कैटेगोरी का कितना सीट है, ठीक है। अगर आपको UGC 2023 से रिलेटेड इसके अलावा भी कोई डाउट है इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।